हेलो दोस्तों, फाइनली अपनी इंडियन वाइस ड्राइंग 3D गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। तो इस अपडेट में हमें मिल चुकी है KGF बाइक, जिसकी आप सभी काफी डिमांड कर रहे थे। तो KGF बाइक अपने गेम में कुछ इस प्रकार से मिलने वाली है और ये अपने गेम में काफी ऑसम एंड काफी रियलिस्टिक लग रही है। और इस न्यू अपडेट में हमें मिल चुके हैं काफी न्यू फीचर्स, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ। उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, RGS टूल के न्यू चीट कोड भी बताने वाला हूँ, इंटरनेट के न्यू ऑप्शन भी बताने वाला हूँ, न्यू कोड भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यार से लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब आप सभी को बता देता हूँ अपने गेम में ये KGF बाइक को हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका चीट कोड डायल करने से पहले हमें इसकी फाइल को लोड करना होगा अपने गेम में, तभी इसको हम स्पॉन करा सकते हैं। वो कैसे, तो सबसे पहले आप सभी को अपने डिस्क्रिप्शन पर जाना है और वहां पर आपको लिंक देखने को मिलेगा इस KGF बाइक का। उस लिंक को आप सभी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप सभी को अपने गेम में फिर से आ जाना है। गेम में आने के बाद में सबसे पहले आप सभी को ध्यान देना है अपने मोबाइल का नेट ऑन होना चाहिए। अगर मोबाइल का नेट ऑफ होगा तो ये वर्क काम नहीं करेगा, आपकी फाइल अपने गेम में ऐड नहीं होगी, ना ही अपने गेम में आपको KGF बाइक देखने को मिलेगी। तो अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन ही रखना है आप सभी को। फिर आप सभी को यहाँ पर ये सर्च वाले ऑप्शन, इंटरनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सब क्लिक करोगे तो आप सभी को यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि अभी रिसेंटली अपडेट में ऐड किया गया है। नीचे वाला ऑप्शन चीट्स मोड फाइल, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जो आपने लिंक कॉपी किया था डिस्क्रिप्शन से, उस लिंक को यहाँ पर आपको सभी को पेस्ट कर देना है। लिंक कॉपी करने के बाद में इस बॉक्स के जस्ट सामने आप सभी को राइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके फोन में एड भी चल सकता है तो उसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद में आपकी फाइल लोड हो जाएगी। फाइल लोड होने के बाद में दोस्तों आप सभी को डायल पैड पे आ जाना है। अब हमें यहाँ पर KGF बाइक का चिट कोड डालना है। तो KGF बाइक का चिट कोड है 1 और इसको आप जैसे ही टाइप करके डायल करेंगे तो आप सभी को अपने गेम में KGF बाइक मिल जाएगी। अगर आप सभी अपने गेम में डायरेक्ट 1 टाइप करके डायल करोगे बिना फाइल लोड किए तो अपने गेम में आप सभी को KGF बाइक नहीं मिलेगी। और बात करें दोस्तों इस KGF बाइक की कस्टमाइज राइडिंग ड्राइविंग एंड मॉडिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों इसका मॉडिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है और इसका हम कलर कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि कार्स बाइक्स का करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें ये वाले गैलरी वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और ड्राइविंग की बात करें KGF बाइक की, तो KGF बाइक की ड्राइविंग काफी स्मूथ है और काफी रियलिस्टिक फील होता है। कंट्रोल्स भी काफी अच्छी तरीके से वर्किंग करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने गेम की न्यू अपडेट की आपको बिग गुड न्यूज देने वाला हूँ। बिग गुड न्यूज ये है दोस्तों, अब आप सभी अपने गेम के अपडेट के बिना कोई भी व्हीकल्स को एड कर सकते हैं जो अपने गेम में पहले से एड नहीं है। जैसे कि आर्मी ट्रक को कैसे ले सकेंगे, बस को कैसे ले सकेंगे और भी व्हीकल्स को कैसे ले सकेंगे। तो उनको ऐड करने के लिए जैसे कि हमने KGF बाइक की फाइल लोड की थी, ठीक उसी प्रकार से इन सभी की फाइल आप सभी को मिलेगी। तो आप इनकी फाइल लोड करोगे और फिर इनका चीट कोड मिलेगा। जैसे चीट कोड टाइप करोगे तो आप सभी को ये व्हीकल्स भी अपने गेम में मिल जाएंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप सभी में से कौन कौन चाहता है अपने गेम के आने वाले अपडेट में जल्द ही मल्टीप्लेयर का ऑप्शन ऐड किया जाना चाहिए, जिससे हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक साथ गेम प्ले कर सके और अपने गेम का एंजॉय ले सके। क्योंकि अब टाइम आ चुका है अपने गेम में मल्टीप्लेयर मोड ऐड करने का और अपने फ्रेंड्स भी काफी एंजॉय लेते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लेयर का मोड ऐड हो जाएगा तो और भी अपने गेम में काफी एंजॉय आने लगेंगे दोस्तों। अगर आप सभी अपने गेम के आने वाले अपडेट में जल्द ही मल्टीप्लेयर को ऐड करवाना चाहते हैं तो आप सभी को डिमांड रखनी है इस वीडियो में। आप सभी को सबसे ज्यादा कॉमेंट करनी है मल्टीप्लेयर मोड ओपी, मल्टीप्लेयर मोड ओपी, कुछ इस प्रकार से आप सभी को सबसे ज्यादा कॉमेंट करनी है दोस्तों। आप सभी की सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी और सबसे ज्यादा कॉमेंट रहेगी तो आने वाले अपडेट में जल्द ही अपने गेम में मल्टीप्लेयर मोड को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं अपने गेम में जो पहले व्हीकल्स ऐड कर दिए गए हैं वो हमें चीट कोड के माध्यम से ही स्पॉन होंगे, ना कि KGF बाइक की तरह कोई फाइल ऐड करने से स्पॉन होंगे। जैसे कि हम अपने गेम में रिसेंटली इस अपडेट से पहले वाले अपडेट में ऑटो रिक्शा देखने को मिला था, उसका चीट कोड है 8370। इस चीट कोड से हमें ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद में इंडेवर कार देखने को मिली थी, उसका चीट कोड है 2020, मतलब 2020 चीट कोड से हमें इंडेवर कार देखने को मिल जाती है। एंड स्पाइडर मकड़ी भी मिलती है, उसका चीट कोड है दोस्तों 5599 से इस कोड से हमें स्पाइडर मकड़ी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी डेंजर है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं जो चीट कोड आप जानना चाहते हैं। कोई चीट कोड अगर आप भूल चुके हैं और आपको याद नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो, वो चीट कोड मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट
वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि न्यू अपडेट में चीट मोड फाइल ऐड किया गया है, उनमें न्यू व्हीकल्स की फाइल शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करो, उस वीडियो में आप सभी को KGF बाइक के अलावा न्यू सीक्रेट व्हीकल्स भी मिलने वाले हैं, आर्मी ट्रक, न्यू बस, सब कुछ मिलने वाले हैं। तो जल्द ही आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना प्यारा सा लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, आप सभी के अपने गेम के आने वाले न्यू अपडेट में किस चीज को ऐड करने की सबसे ज्यादा डिमांड है उसकी कमेंट कर दो। अगर ज्यादा कमेंट रहेगी तो उस चीज को ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल।